हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये गाड़ी है वॉक्सवैगन की पोलो, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो लाइट है हीटर लाइट ब्लिंक कर रही है, और जैसे हम पिकअप कर देते हैं एक्सीलेटर देते हैं तो एक साउंड भी आती है, जैसे एयर लीक करते हो, वीडियो में नहीं दिखाई देगी। तो इसको करने वाले हैं हम स्कैन, डायग्नोस करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो स्कैन करके डायग्नोस करेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। दोस्तों गाड़ी चलते चलते पिकअप छोड़ देती थी, जो आपको मैंने वीडियो दिखाया, और लाइट हीटर वाली लाइट आने लगती थी। तो जैसे ही इग्निशन ऑफ करके हम फिर दोबारा इसको ऑन करते थे तो गाड़ी फिर बिल्कुल सही हो जाती थी। तो मैं आपको फॉल्ट दिखाने वाला हूँ, क्या फॉल्ट आया। मैंने यहाँ पे लगता है इसका OBD पोर्ट, OBD कनेक्शन, और ये मैंने स्कैनर अटैच किया इसे। तो जाएंगे इंजन में, रीड फॉल्ट कोड। तो इसमें दो फॉल्ट कोड बता रहा है, मास और वॉल्यूम एयर फ्लो सेंसर, ए सर्किट, रेंज परफॉर्मेंस, और दूसरा बता रहा है टर्बो चार्जर अंडर बूस्ट। अंडर बूस्टर मतलब जो ये एक्टिव में है कि जो हमारा टर्बो का प्रेशर है, बूस्ट है, वो बन नहीं रहा है, कहीं से लीक है। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं या चलाते हैं, थोड़ा खींचने की कोशिश करते हैं तो इसमें आवाज़ भी आती है। तो हम टर्बो से लेके, एयर फिल्टर से लेके, टर्बो से लेके जो इंजन तक जो पाइपलाइन जाती है, जब इंटरकूलर है या पाइपलाइन जो भी है, उसको चेक करने वाले हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो देखते आगे। सबसे पहले यहाँ से हमें चेक किया, हमें यहाँ की कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। तो हमें थोड़ा सिम्टम मिल रहे हैं, यह है यहाँ से ऑयल आया, हो सकता है कोई डैमेज है इंटरकूलर में या किसी पाइप में। बम्पर उतारेंगे फिर दिखाते हैं आगे की वीडियो में हम क्या निकलता है इसमें। दोस्तों इसका बम्पर हमने उतार लिया, जो यहाँ से है, यहाँ से हमको मिल रहा है कुछ, ये यहाँ से गाड़ी नीचे लगी है, ये यहाँ पे जो इंटरकूलर है इसमें होल हो चुका है, ये देखो, ये यहाँ पे। जैसे हम यहाँ से इसका प्रेशर लीक हो रहा है, जैसे हम गाड़ी को खींचते थे तो हीटर वाला लाइट आना स्टार्ट हो जाता था और गाड़ी हमारी पिकअप छोड़ देती थी। अब हम देख स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ आपको कि यहाँ से एयर है, जो यहाँ से एयर है जो लीक हो रही है। इसको हम खोलने वाले इंटरकूलर को, दिखाएंगे आपको कैसे इसको रिपेयर करते हैं, जब क्या करते हैं, देखते हैं चेंज करते हैं क्या है, खोल के बाहर निकालते हैं फिर दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो में। दोस्तों इंटरकूलर हमारा खुल चुके हैं, तो इसमें जो क्रैकिंग हुई है, जो इंटरकूलर में ये यहाँ पे होल है, इसको करेंगे हम रिपेयर और बाकी फिटिंग दोबारा सारी कर देंगे। देखते हैं आगे की वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी, जो फॉल्ट हमको मिल चुका है। ये इंटरकूलर है, यहाँ से ये लीकेज है। दोस्तों हमने जो इंटरकूलर है रिपेयर कर लिया इसको, तो मैं इसको फिटिंग कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम है 100% क्लियर हो जाएगी। एक यहाँ पे भी थोड़ा लीकेज है, यहाँ से हल्का है, तो इसको भी हम रिपेयर करेंगे। तो इसको भी रिपेयर करके हम फिट कर देंगे गाड़ी में, देखेंगे हमारी प्रॉब्लम 100% श्योर है कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। दोस्तों फिटिंग है जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सारी फिटिंग अब इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे
तो अभी तो गाड़ी में कोई भी किसी प्रकार की कुछ चेक लाइट नहीं है, तो टेस्ट ड्राइव लेंगे, देखते हैं परफॉर्मेंस में क्या असर पड़ा, प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। वैसे तो 100% होने के चांसेस है। दोस्तों गाड़ी हमारी है जो ओके हो चुकी है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चेक लाइट नहीं आ रही इसमें, काम हमारा सक्सेसफुल हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।